एक मिनट बाबू, हाथ नीचे, हड्डू थोड़ा नीचे करो, हाथ काटे जी जी सर। ट्रैवल एजेंसी हमारे अक्षर जी ने जो शुरुआत की है, हम लोग के साथी हैं, दिल्ली में हम लोग साथ में रहे हैं और अभी इन्होंने नई शुरुआत की है। मेरी शुभकामना है कि इनका जो कार्य है आगे बढ़े, तरक्की करें, इस किशनगंज के वासियों को सेवा दे सकें और राष्ट्र निर्माण में और राज्य के विकास में इनका योगदान हो, मेरी यही शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुदूर ग्रामीण खोलने का आइडिया कैसे आया और क्या 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 सुविधा है आपकी यहाँ? आपसे मीडिया से बहुत जो आपका सवाल है क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं, जो हमारा ये ऑफिस है, न्यू ब्रांच खोला है, पहले हमारा दिल्ली में जो ऑफिस है उसमें आप मनी एक्सचेंज कर सकते हो, जैसे विदेशी इधर आते हैं या जैसे बाहर के लोग यहाँ से जॉब करने, यहाँ के लोग बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए, तो उसका पैसा जब लेके आते हैं वो हम एक्सचेंज कर सकते हैं। और कुछ बच्चे यहाँ पे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, उसका फ्री ट्रांसफर वगैरह हम लोग करते हैं, बैंक के थ्रू करते हैं। और बाकी भी सर्विसेज हैं, जैसे ट्रैवल सर्विसेज है, होटल बुकिंग हो गया या फिर टूर पैकेज हो गया, वीज़ा की सर्विसेज है, बाहर का वीज़ा लगाना, अमेरिका का वीज़ा, हम लोग ये सब प्रोसेस कर सकते हैं। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमें किशनगंज में अपना सेवा देने का मौका मिला है। तो इससे पहले हम दिल्ली में दिए हैं इस सेवा और अच्छे अच्छे मतलब ऑफिसर्स को भी हमने अपने सर्विसेज दिए, तो दिल में एक महसूस हुआ कि क्यों ना हम अपने उधर भी इसका ऑफिस खोलें, जिससे कि यहाँ के लोगों को जो तकलीफें होती है, जैसे पटना या दिल्ली वगैरह से अपनी सर्विसेज लेते हैं, तो उनको घर बैठे ही ये सर्विसेज यहाँ से मिला करें। बाकी सीमांचल या अगर आप देखें तो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज तीनों डिस्ट्रिक्ट मिल के ये कोई फॉर्मेलिटी का लाइसेंस होल्डर नहीं हुआ, तो हमने यहाँ ये इनिशिएटिव लिया कि चले देखते हैं, मतलब यहाँ के लोगों का प्यार, ठीक है, अब हम इस जिले से हैं या सीमांचल से हैं, तो हमें भी अपनी भी जिम्मेवारी बनती है कि कुछ यहाँ के लोगों को सेवा दी जाए, जो इनको परेशानी होती थी वो परेशानी कम हो सके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद अजमल। बिहार के लिए भी कोई पैकेज रखे हैं, जैसे दिल्ली के लोग बिहार के जैसे नालंदा घूमना चाहते हैं, हाँ, राजगीर जाना चाहते हैं, उसके लिए किस तरह का पैकेज? टूरिज्म को मेरा मेन, आप अगर मेरा बैनर देखेंगे आगे डिस्प्ले, तो मेरा फोकस यहाँ यही रहेगा कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, बिहार में हो या बिहार के बाहर हो, ठीक है, बिहार के लोग बिहार में कैसे टूरिज्म बढ़े पाए, ठीक है, उसके लिए भी मैं कई बार सरकारें बदलती हैं तो पर्यटन मंत्री हो नहीं आते, तो हमें एक उम्मीद होती है उनसे कि शायद ये पर्यटन मंत्री जो भी आएंगे तो बिहार के लिए अच्छा सा कुछ माहौल बनाएंगे ताकि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिले। हमने कई बार जो बिहार सरकार की तरफ से स्टॉल वगैरह भी लगता है, ठीक है, वहाँ बिहार पर्यटन तो ऑफिस भी है, उधर भी हमारा जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो कोशिश यही रहती है कि टूरिज़्म हर जगह एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है किसी भी राज्य के लिए या किसी भी देश के लिए। आज अगर आप देखें थाईलैंड, सिंगापुर, ठीक है, मालदीव, ये ऐसे कंट्रीज है जो टूरिज़्म पे ही डिपेंड है, तो क्यों नहीं हम लोग भी बिहार में ऐसा माहौल बनाएं, ऐसा चीज़ डेवलप करें ताकि विदेशी यहाँ आए और बिहार का बिहार में जो भी टूरिज़्म पहले से उनका आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजमल अख्तर है, जो हम चढ़ागढ़ से मिले, जिन्होंने सना फोरेक्स ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड का एक ब्रांच किशनगंज में खोलने का काम किया। इससे पहले ये देश की राजधानी नई दिल्ली में ये सेवाएं दे रहे थे, ये लोगों के डिमांड पर, हम सब लोगों के आग्रह पर किशनगंज में आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी के हाथों इस कार्यालय का उद्घाटन होगा और किशनगंज में
इस तरह के कार्यालय खुलने से इनकी बहुत अपार संभावनाएं दी है। यहाँ डॉक्टर डीसी कॉलेज है, पूरे बिहार में चाय की खेती होती है, बड़ी जान है, कठुदा झील है, और फिर एक जो है किशनगंज जिला जो नेपाल बांग्लादेश सीमा पर अवस्थित है, इसलिए आने वाले दिनों में यहाँ पर टूरिस्ट की बहुत ज़्यादा संभावना है। ऐसे में सना फॉरेक्स का कार्यालय यहाँ खुलने से यहाँ के लोगों को बहुत मदद मिलेगी, साथ ही जो छात्र बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी यहाँ से पैसा बाहर ट्रांसफ़र करने में, जो विदेशी मुद्रा के लेन देन में भी इनको मदद मिलेगी। धन्यवाद।